बचपन के उस प्राथमिक विद्यालय के सहपाठियों को
सुन लेंगे लोग भाई कौन बोले। देखिए स्वागत के क्रम में यह अदालत झुक करके और अपनी श्रद्धा को आपने प्रणाम किया। श्री अवध नारायण राय जी पूरे जनपद के अभिभावक हैं, हमेशा आपका वही राम दरबार भेंट कर आदरणीय मातृशक्ति के रूप में प्रतिनिधित्व करती हुई हमारी बहन मीना अग्रवाल जी यहाँ मातृशक्ति का भी आदरणीय शर्मा जी को देने की कृपा करें। कितनी विनम्रता, कितना सहज भाव, जिसको देश ने देखा। आज मऊ से फिर एक नई पारी की शुरुआत हो रही है। जिस तरह से यह गायत्री महाविज्ञान की पुस्तक है और चांद बनकर सभी नजरों में वो रहने वाले आईना कोई भी हो, तस्वीर तुम्हारी हो। आदरणीय शर्मा जी हमारे मऊ के गौरव, मऊ की शान, इस मिट्टी को सलाम। इस मिट्टी का निकला हुआ यह हीरा पूरे भारत में एक चमकदार सितारे की तरह से जगमगा रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनको हम लोगों ने बचपन से जब से जवानी आई देखा है, उनकी सोच इस पूरे भूमंडल की संरचना के लिए कितनी समृद्ध है। आपके बिना उनका एक मिनट भी नहीं बीतता था, ये गौरव के साथ मऊ के वासी कह सकते हैं। ये आपने प्रधानमंत्री जी को अपनी योजना रचना में जिस तरह से समाहित करके पहले गुजरात को समृद्ध किया, उसके बाद पूरे देश को समृद्ध किया और आज विश्व में गंगा बज रहा है। मैं कहता हूँ कि उन नवरत्नों में एक हमारे मऊ से भी था। अब हमारी यह जनता जनार्दन आपके स्वागत के लिए आतुर थी। इस जनता जनार्दन में कई हमारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत स्तर के खिलाड़ी हैं। कई चित्रकार ऐसे हैं जो अपनी ले पानी की दहलीज पर जब से कदम रखा है इस क्षेत्र के लिए अनवरत चलते हैं। अगर रात न हो तो शायद मनोज राय अपने घर में सो भी नहीं पाते। कहीं ना कहीं आपका शर्मा जी का गौरव और श्री मनोज राय जी का निहायत निवेदन करता हूं कि बारी बारी से बुलाया जाएगा, सबको अवसर मिलेगा। बहुत माला हमने मंगवाया है और हमने निवेदन भी किया है शर्मा जी से कि पूरा समय आज अपनी इस खुशबूदार मिट्टी को देंगे और सारे लोग आएंगे, धीरे धीरे माल्यार्पण करेंगे, कोई अफरा तफरी नहीं करेगा। श्री मनोज राय आपका भी जिंदाबाद सहयोग हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में हम लोगों को मिलता है। संचालक की भूमिका में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रमोद राय जी संस्कार भारती के इस जिले के जो स्थापक हैं, हमारे बीच ये भी सूचना आई कि हम लोगों के बड़े भाई नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य श्री अरविंद राय शर्मा जी मऊ आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर यह जब समाचार प्रकाशित हुआ तो गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, केवड़िया, कुशीनगर, गोरखपुर, बड़हलगंज तमाम लोगों ने हम लोगों को फोन करके कहा और कल से आज तक, आजमगढ़ से और मऊ तक हम लोग देख रहे हैं कि अपने इस पूर्वांचल के गौरव, इस धरती के लाल, इस माटी के लाल सपूत अरविंद शर्मा जी का स्वागत करने के लिए आजमगढ़ से लखनऊ से और मऊ तक अपने सहयोगियों का एक लंबा सिलसिला लगा हुआ है। आज जो भी हमारे बीच आए हैं साथी, सबको अवसर मिलेगा कि आप अपने नेता का, अपने भाई का स्वागत करें। स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले मैं इस जनपद के निर्माता स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके
विशेष सहयोगी रहे, वरिष्ठ सहयोगी रहे, जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकर उन्होंने हमको फोन किया कि मनोज जी आज इंजीनियर साहब आज अरविंद शर्मा जी आ रहे हैं, वीरेंद्र इंजीनियर जी को मैं यहाँ मंच पे बुलाता हूँ, श्री वीरेंद्र इंजीनियर जी आवे और श्री अरविंद राय शर्मा जी का स्वागत करें। श्री हरिश्चंद्र राय जी जो रैनी के प्राध्यापक हैं, रिटायर्ड अध्यापक हैं, आप भी आवे और स्वागत करें। श्री रामजतिन पांडे जी आवे और श्री अरविंद राय शर्मा जी का स्वागत करें। दवा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्री शिवजी राय के नेतृत्व में दवा व्यापारी संघ के समस्त पदाधिकारीगण, श्री उप उमेंद्र सिंह जी जो दवा विक्रेता संघ के संरक्षक और खेल के क्षेत्र से जुड़े हैं, श्री उमेंद्र सिंह जी, श्री शिवजी राय जी, श्री प्रवीण पांडे जी, श्री रवि प्रकाश सिंह जी, श्री मुकेश राय जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री ब्रजेश गुप्ता जी, खुनखुन सिंह जी, दिनेश प्रकाश, प्रवीण राय, प्रवीण और रजनीश नाम दोनों इतना मिलता जुलता है कि मैं श्री अशोक सिंह जी बालक जिसने तय छूकर आशीर्वाद लिया और ये हमारे अर्पण उनको भी देकर के उनको सम्मानित किया गया। श्री श्री प्रवीण राय जी दैनिक भास्कर जी जो मंडल अध्यक्ष है कुशीनगर के, श्री विनोद राय जी प्रबंधक किसान इंटर कॉलेज कुशीनगर, श्री सत्य अध्यक्ष के यूनियन से वही आप लोग भी कुशीनगर और महाराजगंज की सरजमी से आए हैं, हम आपका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आप लोगों से चाहेंगे या हमें अपने नेता का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। श्री दुर्गेश सिंह जी सभासद हम लोगों के बीच, श्री रणविजय चंद जी जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन जो श्री मार्कंडेय चंद जी पूर्व मंत्री के परिवार के, हम चाहेंगे कि आप भी आवे, अपने नेता का स्वागत वंदन करें। आपके साथ श्री अनुराग जी पत्रकार गोरखपुर से, श्री अरुण शैलेंद्र राय पिंटू गढ़लगंज से और भी हमारे साथ ही आपके आए हैं, हम आपसे चाहेंगे कि स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। श्री रामचंद्र प्रधान जी जो हम लोगों के बहुत बड़े सहयोगी रहे, लखनऊ से एमएलसी विधान परिषद के खुद हम लोगों के पीछे आए हैं शर्मा जी के साथ, हम अपने मऊ के साथियों से श्री धर्मेंद्र राय जी से, श्री सूरज राय जी से और श्री अवध राय जी से चाहेंगे कि श्री रामचंद्र प्रधान जी का स्वागत करें। पूर्व उपाध्यक्ष है टी सी एस के सिटी कॉलेज के, हम लोगों के छोटे भाई है श्री पप्पू राय जी सेमरी, श्री दीपक राय जी रईसा, श्री शिव वचन राम जी, आप लोग भी आवे और अपने नेता का स्वागत करें। श्री शैलेश सिंह टुंटू जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आवे स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। जनपद की कुछ ऐसी चीजें हैं जो कल्पनाथ राय जी के बाद विकास की पहिया का पहिया बिल्कुल रुक सा गया था, उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम जानते हैं कि हमने ये माला, मनुष्य कितना स्वार्थी जीव होता है कि हमने माला दिया और जानता हूं सूरज जब आसमान में चमकता है तो उसकी ऊष्मा, उसका प्रकाश लेने के लिए सारा संसार आतुर रहता है और यह ज्ञापन इन्होंने दिया जो चार पांच सूत्रीय इनकी मांगे हैं श्री अशोक सिंह जी ने समर्पित किया और ये पूरे मऊ जनपद की आवाज है। देखिए मैंने कहा कि इस मऊ जनपद की आवाज को हमेशा आप सीने में अगर लगा करके रखते हैं, वो सीने में लगा के आपने रखा है, अब यह माल्यार्पण का कार्यक्रम उसको हम यही विराम देते हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक नौजवानों की शान, मैंने कहा था कि जिनका दरवाजा कभी रात को भी बंद नहीं होता
एक छोटा सा दीपक, एक सूरज की स्तुति में अपने पास कुछ शब्द सजा कर रखा है। मैं मनोज राय जी से अनुरोध करूंगा कि आप आदरणीय श्रद्धेय शर्मा जी के स्वागत में दो शब्द करें। साथियों, आज अपने बड़े भाई, इस धरती के लाल, इस माटी के गौरव श्री अरविंद राय शर्मा जी का इस तमसा के तट पर स्वागत करते हुए हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। साथियों, हम गौरवान्वित इसलिए महसूस कर रहे हैं कि श्री अरविंद राय शर्मा जी ने अपने जीवन का दो दशकों से अधिक समय एक ऐसे व्यक्ति के लिए दिया है जिस व्यक्ति का कारण आज पूरा विश्व हुआ है, जिस व्यक्ति का मुरे पूरा हिंदुस्तान है, पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा पूर्वांचल है, मऊ है और मऊ का एक एक व्यक्ति है। साथियों, निश्चित तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विदेशों में पढ़ाया है, उनके उस वीर गाथा में यह हमारा सौभाग्य है कि उनकी इस वीर गाथा में हमारे इस धरती का, हमारे पूर्वांचल की माटी का लाल श्री अरविंद सिंह अरविंद शर्मा जी का भी योगदान रहा है। 20 साल तक आप लोगों ने आपने उनके अभियान को सफल बनाने में आपने सहयोग किया है। हम आपका स्वागत और अभिनंदन इसलिए भी कर रहे हैं कि हमने देखा, जब मैं एमएलसी बनने के बाद आपसे मिला तो हमने देखा कि आपके अंदर इस पिछड़े पूर्वांचल के विकास को लेकर एक तड़पन थी, यह हमने महसूस किया। और आज जब आप एमएलसी बनने के बाद इस मऊ की सरजमी पर पहले दिन आए हैं तो आप लोग, आपने मऊ से दिल्ली के लिए एक नई ट्रेन का जो शुभारंभ करने का तोहफा हमें दिया है, आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। आपका प्रयास है, आपकी भावना है कि भारत के नक्शे से दिल्ली से जो दिन प्रतिदिन मऊ की दूरी खत्म होती जा रही है उस दूरी को कम किया जाए, मऊ को दिल्ली से जोड़ा जाए। साथियों, एक जमाना था जब हम लोगों के नेता श्रद्धेय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी ने इस पूरे पूर्वांचल का विकास किया, उन्होंने मऊ का निर्माण किया और आज उनके नाराने के बाद एक जो पूर्वांचल और मऊ के जनपद के लोगों को विकास की कोई कमी खप रही थी, वह उम्मीद की किरण हम लोगों को श्री अरविंद शर्मा जी के रूप में दिखाई दे रही है। मैं आज इस मंच के माध्यम से श्री अरविंद राय शर्मा जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सहयोग में लखनऊ से मऊ तक नया जन सैलाब, यहाँ का बच्चा, यहाँ का हर एक नौजवान आपके लिए कंधा से कंधा चलने के लिए तैयार है। जाना है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय हम सबको जाना है, यहाँ तक जिन भी लोगों ने आपका स्वागत वंदन अभिनंदन किया, सुबह 10 बजे से लोग जो लोग भी यहाँ बैठ के अपने नेता के स्वागत वंदन अभिनंदन का इंतजार कर रहे थे, हम आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए हम आप सबके भी बहुत आभारी है। मनोज जी, यह कार्यक्रम पूरी तरह से अपने उत्कर्ष पर है। आज जब हमने दैनिक जागरण का पहला पेज खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा इश्तेहार था। उस इश्तेहार को देखते ही मैं 3 दशक पीछे गया जब हम लोग बचपना से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे थे। रेलगाड़ी का मुखड़ा था, शर्मा जी की फोटो थी, वह दृश्य मुझे याद आ गया कि जब कल्पनाथ राय जी दिल्ली से चलते थे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई योजना लेकर आए हुए, कोने में योजना होती थी और कल्पनाथ राय का चित्र होता था। हमने कहा कि यह मऊ का परम सौभाग्य है कि 3 दशक के बाद मऊ का सूरज फिर से उगने वाला है। जो शर्मा जी की गाथा हमने 2 दशकों से देखा है, 2 पंक्तियों में निरूपित करते हुए, मनुष्य का जन्म ही स्वार्थ के लिए होता है, हमने माला दिया उसके बदले में हम लोगों का स्वार्थ है केवल आपका आशीर्वाद, वो मैं लेना चाहूंगा। और आपकी भावना कि जन्म से 16 हूं मैं शबनम नहीं,
जग समर जाए यही कोशिश मेरी, मैं बिखर जाऊं तो कोई गम नहीं है, यह मनोभाव आपका रहता है। और यह मंच सादर समर्पित करता हूं श्रद्धेय माननीय विधायक, अरे हमारे पूर्व प्रत्याशी मधुबन और पूर्वांचल के जाने माने नेता श्री उत्पल राय जी, मैं आपसे चाहूंगा कि दो शब्दों में आप ये स्वागत करें। सबसे पहले मैं कहूंगा भारत माता की जय। इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी ने आपको सौगात दिया है, इतना बड़ा कद आपके सामने खड़ा है, आवाज की ललक भी ऐसी होनी चाहिए कि बहुत दूर तक जाए, क्योंकि हम लोग 22 साल तड़पे हैं विकास के लिए। क्यों मनोज जी, 22 साल मऊ जनपद तड़पा है विकास के लिए, जो स्वर्गीय कल्पना राज जी ने कार्य किया उस पर कोई छूना भी लगाने वाला नहीं थी। 22 साल बाद एक शर्मा के रूप में आपके सामने अगर प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, अपना दोस्त समझिए, अपना दाहिना हाथ समझिए, आवाज भी ऐसी होनी चाहिए कि वहां तक जाए तो गूंजे भारत माता की जय। और बुलावा हुआ बहुत 22 साल तक में भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय मनोज जी ने बहुत कुछ बताया, मैं आपने को रोक नहीं सका, इसलिए मैंने कहा मैं भी तो सब भूलना चाहूंगा। एके शर्मा जी एक ऐसे व्यक्तित्व है, मैं तो इनकी सहजता सरलता के लिए माइक थाम लें, क्योंकि आवाज बहुत दूर तक जा रही है और सब लोग जितने लोग मिले हैं, हो सकता कुछ लोग संकोच ना आ पाए हो, उन तक मेरी फावड़ा आवाज पहुंच जाए। जब लखनऊ से एक काफिला चला मऊ के लिए, पूर्व एमएलसी रामचंद्र सिंह प्रधान, आदरणीय अरुण लाल बिंदु जी, तमाम लोगों के साथ जब काफिला चला तो मैंने देखा कि मऊ तो काफ ही रहा है, मऊ तो करा ही रहा विकास के लिए, लेकिन लखनऊ से लेकर मऊ तक मित्रों की स्वागत करना हर जनपद इसी तरह सैलाब के रूप में खाता जैसे आप यहाँ खड़े हो, कितने भी सैलाब खड़े थे 8 बजे चले होंगे, मुझको लगता है यहाँ आते 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 10 बजे इस तरह स्वागत हुआ। मैं सिर्फ इसीलिए ये माइक पकड़ा कि आदरणीय के शर्मा जी को मऊ जनपद के साथ साथ पूर्वांचल विकास के लिए पुकार रहा है और इस समय आपको शक्ति ग्रुप में भेजा। मुझे याद है कभी मैं प्रधानमंत्री कार्यालय पर जाता था आपसे मिलने के लिए, मेज पर चाय पीते थे और जब वो पेपर फैलता था तो इनके अंदर मऊ के लिए तड़प रहता था, पूर्वांचल की तड़प रहता था, उत्तर प्रदेश की तड़प रहता था कि कैसे इसको और विकास किया जाए। ये मैं अपने इस पिछला क्षण आपको बता रहा हूं। मैं अब बाइक लूंगा आदरणीय के शर्मा जी को और ये जरूर विश्वास दिलाऊंगा कि बहुत कुछ ऐसे काम थे, मुझे एक चीज कभी नहीं भूलता भैया, 138 करोड़ रुपया देके गन्ना संस्थान माननीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने कराए थे, 38 करोड़ खत्म हो जाता है, हॉस्टल बन जाता है और जब वो नहीं रहते हैं तो 100 करोड़ आपका चला जाता है, ये दुर्भाग्य हम लोगों ने झेला है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल के नौजवानी के प्रतीक हैं श्री उत्पल राय जी, पीछे मंच पर थे मैं देख नहीं पाया था, क्षमा करेंगे। अब यह मंच और माइक, मैंने कहा कि हम मनुष्य का जन्म ही स्वार्थ के लिए है, हमने अभिनंदन किया उसके बदले में आशीर्वाद जनता चाहेगी मऊ की। आदरणीय माननीय विधायक श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, भविष्य में तो हम बहुत बड़ी चीज देख रहे हैं, जिस तरह से सूरज आसमान में है वही बुलंदियां हम देख रहे हैं, हम यहाँ सूरज देख रहे हैं अपने पूर्वांचल का, अपने मऊ का, अपने प्रदेश का और अपने देश का। आदरणीय शर्मा जी, और नारायण प्रसाद यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, पूर्वांचल के दूर दराज के इलाकों से आए हुए हमारे शुभेच्छक मित्र, और जिनका बहुत लोगों का नाम मनोज जी ने लिया, उन सबका नाम मैं फिर दोहराना नहीं चाहूँगा, हो सकता है कि सबका नाम ले भी ना पाए हो, संभव नहीं है शायद इतनी बड़ी संख्या में नाम ले पाना, उन सबको मैं यहाँ स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।
और खास करके मुझसे उम्र में जितने लोग बड़े हैं, कुछ लोग मंच पर भी उपस्थित हैं, कुछ लोग सामने भी हैं, और उनको सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं, और अपने जो छोटे हैं उन बच्चों को मेरा प्यार और स्नेह स्वीकार। मित्रों, मऊ की मिट्टी को मैं नतमस्तक होकर के पुनः पुनः बार बार प्रणाम करता हूं। इसी मिट्टी में मेरा बचपन बड़ा हुआ है, सोना है, संभला है। मैंने 12वीं तक की पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज में की है, आपको मालूम ही होगा, और उसके भी पहले मऊ से हमारा अभिन्न नाता रहा है। हमारे पिताजी यहाँ रोडवेज में नौकरी करते थे, तो हम लोग उसके भी पहले से आते जाते थे, और 8 से 9, 10, 11, 12 तो मैं यही पढ़ाई है। इस रोड पे, खास करके पैराडाइज रोड पे, मैं शाम को कई बार मिठाई खाने और चाय पीने निकलता था, और बस स्टेशन के पास कुछ दुकानें हैं, अब तो वो लोग पुरुषोत्तम भाई हलवाई थे, ज्ञान हलवाई थे, उन सबको उनकी दुकानों पर मैं बिना पैसा दिए मैं खाता था, और पता नहीं उनका हिसाब किताब पिताजी करते भी थे कि नहीं करते थे, लेकिन मैं पिताजी को ही बताए बिना उनकी दुकान पर आ जाता था, और मुझे देखते ही वो कुछ ना कुछ घाटी और पकौड़ी और चाय हमको मिल जाती थी। तो इस जगह से, इस दरो दीवार से मेरा बहुत नाता है। लेकिन जो विकास की बात हुई, सच पूछिए तो आज मैं यहाँ कोई भाषण है ये सोच के मैं आया नहीं था, मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ कुछ बोलना होगा, लेकिन गांव से आते समय मैं गाड़ी में बैठा था, हमारे साथ हमारे भाई भी थे और मित्र थे, मैं देख रहा था बंगलाई से लेके मुजाहिदीपुर की तस्वीर या बाईपास की तस्वीर। मित्रों, आप सच मानिए, मैं 32 साल बाहर जा करके फिर मऊ आया हूँ, बीच में आता जाता था, लेकिन उस नज़र से मैंने कभी नहीं देखा था शायद, लेकिन आज मैं उस नज़र से देखा हूँ। सच मानिए, 32 साल में मऊ में कोई बेहतरी नहीं हुई है, बल्कि और गिरावट आई। आज मैं अपने मित्रों से कह रहा था कि वही साइकिल पंचर बनाने की दुकानें मिर्जादीपुर में, वही फल बेचने की दुकानें, बल्कि उनके पीछे जो गुमतियाँ थी, जो दुकानें थी, जो शटर थे, उसमें चमक आने की बजाय और बल्कि हमको पहले से भी गंदे दिखने लगे। तो ये कारण है कि हम क्या कारण है कि हम और पीछे जा रहे हैं। जिसके पास मोटरसाइकिल थी वो आज साइकिल पर चलने को मजबूर हो रहा है, जिसके पास कार थी उस जमाने में वो भी आज उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा विकास की जो तीव्रता थी, जो दर थी, वो पहले की अपेक्षा भी बहुत धीमी हुई है। मुझे लगता है कि इसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। पिछले दिनों योगी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने हमारे विकास के लिए काफ़ी कुछ किया है, आप देख सकते हैं, मकान लोगों को मकान मिला है, लोगों को बिजली मिल रही है, शौचालय मिल रहे हैं, माननीय मोदी जी की योजनाओं के तहत लोगों को गैस का सिलेंडर, गैस के चूल्हे, ये सब मिलना शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ तक स्थानीय परिस्थिति की बात है, वो मुझे लगता है कि पहले से भी बदतर हुई है, पहले से भी लचर हुई है। हमारी जनसंख्या बढ़ी है, भीड़ बढ़ी है, वाहन बढ़े हैं, लेकिन उस तरह की जो संरचना है, आधारभूत संरचना, उसमें विकास नहीं हुआ है। तो इसे हमें आगे ले चलना है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, अभी मैं यहाँ आने के पहले शीतला माई के मंदिर गया था। शीतला माई के मंदिर से मुझे एक आवाज मिली, और उस आवाज को मैं एक नारे के रूप में आप लोगों को दे करके जाना चाहता हूँ, और उसे मैं अपने जीवन का एक मंत्र बना करके आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। मैं बोलूंगा शीतला माई का वरदान, आप बोलेंगे मऊ में आए फिर मुस्कान। शीतला माई का वरदान, शीतला माई का वरदान, शीतला माई का वरदान। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हमारा स्वागत किया, और मऊ के ही लोगों का आशीर्वाद नहीं मिला, बल्कि पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बड़े लोग और हमारे समकक्ष, हमारे हमसे जूनियर बच्चों का भी स्नेह और प्रेम मिला। उसके लिए मैं खरे वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने का, आप कई घंटे से मैं आप सबसे खूब खूब धन्यवाद करता हूँ। नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की, योगी आदित्यनाथ की, स्वतंत्र देव सिंह की, जेपी नड्डा की।
सभी से अनुरोध है कि आप लोग कृपया जलपान लेकर के ही यहाँ से जाएंगे। जान रहे